करंट की चपेट में आने से पशु की मौत। विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों ने जताया विरोध। हरमाड़ा के रमल्यावाला का मामला, ट्रांसफार्मर के पास खुले पड़े थे तार। हरमाड़ा थाना इलाके के जयपुर से कढ़ाई देश के थे बड़पीपल के पास रमल्यावाला डेयरी योजना। सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर कतार नीचे लटक रहा था, जहां भैंस चारा खाते खाते ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गई और अचानक लटक रहे तार की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही भैंस की मौत हो गई। सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं पुलिस ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलाया। वहीं लोगों में विद्युत विभाग प्रशासन के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिला। जानकारी के अनुसार हरमाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल नरेंद्र ने बताया कि जयपुर सीकर हाईवे स्थित रमल्यावाला डेयरी योजना के पास सड़क किनारे विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। नीचे डीपी भी खुली पड़ी हुई थी और ट्रांसफार्मर से तार लटक रहा था, जिसमें करंट आ रहा था। जहां कजोड़मल गुज्जर रोज की तरह मंगलवार सुबह अपने पशुओं को चराने गया था, जहां ट्रांसफार्मर के पास चारा खाती खाती भैंस चली गई और ट्रांसफार्मर से लटक रहे तार की चपेट में आ गई, जिससे तड़प कर मौके पर ही पशु की मौत हो गई। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में जगह जगह विद्युत ट्रांसफार्मर की डीपी खुली पड़ी है। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, फिर भी विद्युत विभाग प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं स्थानीय लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी रोष है और ग्रामीण विद्युत विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।